तो सुजलॉन एनर्जी शेयर में पहले तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चल रही है। तो क्या अभी हर गिरावट में खरीदने का मौका बन सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। तो हम इस वीडियो में इसके लेवल सपोर्ट टारगेट सारी चीज़ें समझेंगे, इसके आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये लाइव मार्केट का वीडियो है, टाइम अभी 10 के आसपास हो रहे हैं और अभी सुजलॉन एनर्जी शेयर 1.86% की गिरावट के साथ 75 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो 2024 में मार्च से ही स्टॉक में तेज़ी स्टार्ट हो गई थी। मार्च से ही आप देखेंगे तो यहाँ पर रैली स्टार्ट हो गई थी और मार्च के बाद यहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये स्टॉक ऊपर गया, ऐसा नहीं कि इसी स्टॉक में गिरावट नहीं आई। हर बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट आई, चाहे बड़ी तेज़ी हो छोटी तेज़ी हो, हर लेवल पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। कभी कभी कंसोलिडेशन भी हुआ है, जैसे आप यहाँ पर भी देखिए, अभी लास्ट टाइम काफ़ी टाइम तक एक ही रेंज पे रहने के बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया, उसके बाद स्टॉक में रेंज बनने के बाद गिरावट आई और फिर से ऊपर गया और फिर से वही एक गिरावट। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, कोई भी स्टॉक में चलता रहता है, और प्रोसेस क्या होता है, हायर हाई हायर लो, इसी प्रोसेस को हम एक अप ट्रेंड बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। और ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है और तब तक अप ट्रेंड में ही रहेगा जब तक अपने लास्ट लो प्राइस को ब्रेक नहीं करता है। लास्ट टाइम सुजलॉन एनर्जी शेयर 65 के लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहीं से फिर एक ज़बरदस्त रिकवरी के साथ एक नया 52 वीक हाई बना दिया। अब इसमें चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए, 65 के ऊपर अगर टिका रहा तो वहीं से रिकवर कर सकता है। अगर 65 के नीचे ये स्टॉक जाता है तब सुजलॉन शेयर में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, 65 के नीचे क्लोजिंग देने पे बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन 65 के पहले अगर टिका रहा तो उस गिरावट में, 65 के पहले हर गिरावट में मौका बन सकता है खरीदारी करने का। अब इसमें आप बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपका अपना डिसीजन है, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट है, जो ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, हायर हाई वाला जो अप ट्रेंड बना है, जो पैटर्न है, इस पैटर्न के बेस पे इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मौका अभी भी है जो गिरावट है। और सिंपल सी बात है, अभी अगर आप इसको 52 वीक हाई प्राइस पे बाय करेंगे, अपनी इसके हाई पे बाय करेंगे तो रिस्क रहेगा ही, लेकिन अगर गिरावट आ रही है तो नीचे के लेवल पे मिल रहा है जो लोग भी इसमें फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो एक मौका यहाँ पर बन सकता है। जहाँ तक टारगेट की बात है तो जो इसका 52 वीक हाई प्राइस अभी तक बना है, अगर वो लेवल इसने ब्रेक कर दिया, इसका रेजिस्टेंस प्राइस अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 84, तो 84 का लेवल अगर सुजलॉन शेयर ब्रेक कर दिया तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 130 के ऊपर है, यानी आने वाले टाइम पे हमें 130 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर 84 का लेवल ब्रेक कर दिया तो। आप इन लेवल पे ज़रूर ध्यान दे सकते हैं सुजलॉन में। बाकी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं।